ठीक है, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, असहज हो रहे हैं, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं, लेकिन फिर भी नहीं, बिल्कुल असहज नहीं हो रहा हूं, हो गए आप, बिल्कुल असहज नहीं हो रहा हूं, लेकिन हम असल मुद्दे से नहीं भागेंगे ना। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, आज आप की जो चर्चा है हम जवाब देंगे। राम बनाएंगे काश या गठबंधन का आ जाएगा डॉक्टर अजय आलोकराज, क्योंकि सबने ठाना है कि इस बार मोदी को हराना है, सबने यानी विपक्ष ने ठान लिया है। जय जय श्री राम, बनेंगे सब आपके काम, बस लेके राम का नाम। हम तो ये सोचते हैं दूसरा कोई राम को काल्पनिक मान लेता है, कोई सनातन को गंदा धर्म कहता है, कोई कहता है कि रामचरितमानस में तमाम तरह की ग्रंथियां हैं, फलाना फलाना फलाना, तभी किसी पार्टी का महासचिव बन के पार्टी के छाती पे मूंग दलते रहता है। पार्टी कहती है व्यक्तिगत विचार है, हमारे विचार थोड़ी ना है। राम मंदिर का आवंटन मिलता है किसी पार्टी के प्रमुख को, वो पार्टी के प्रमुख कहते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन है आलोक कुमार, बिना जाने हुए व्यक्ति का मैं आमंत्रण कैसे स्वीकार करूँगा। मतलब राम के दर्शन करने से स्वयं का अहंकार ज़्यादा है। तो ऐसे अहंकारी और ऐसे दुराचारी लोगों को तो जनता ही देखेगी। और आपने ठीक कहा सुनील भाई, थोड़े असहज हैं, यही नहीं पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी असहज है जब से कांग्रेस ने ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट टू शुरू किया है। अब कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान जोड़ो पार्ट टू जब तक चले यूपी में, तब तक समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन ना हो और वो बहुजन समाज पार्टी से चूंच लड़ाती रहे, क्योंकि उसे लगता है कि कर्नाटका और तेलंगाना में जिस तरह से मुसलमानों ने पलट के बीआरएस को छोड़ के या जेडीएस को छोड़ के एक तरफा वोट दे दिया था कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, तो ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह यूपी और बंगाल से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। अमित भाई जरा रूट की प्लानिंग देखिए जगह कांग्रेसियों की। और पहला रिएक्शन आया था अखिलेश यादव का कि जब महागठबंधन बना नहीं, सीट शेयरिंग हुई नहीं, राहुल गांधी यात्रा पे निकल जाएंगे, तो दिल्ली में बैठेगा कौन, गठबंधन होगा कहां से। ये सोचते हैं कि कांग्रेस को 8 सीट 12 सीट 4 सीट, कांग्रेस ये नहीं सोच रही है, कांग्रेस ये सोच रही है कि वो मुसलमान जो आजादी के बाद से उसका कट्टर वोटर था, समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया 1992 से, उसी राम मंदिर के नाम पर, उसी बाबरी मस्जिद के नाम पर, तो अब तो राम मंदिर बन रहा है तो ये तो सही समय है मुसलमानों घर लौटो, मुसलमानों समाजवादी छोड़ो कांग्रेस जोड़ो, ये नारा चलेगा मुसलमान भारत जोड़ो पार्ट टू यात्रा, मुसलमान जोड़ो यात्रा में, जिसके कारण समाजवादी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि 18-19% का ब्रैकेट है उत्तर प्रदेश में, 17-19% के बीच में, यादव तो साथ ही 8% बच जाते हैं ना, ये निकल गया तो फिर बचेगा क्या, तो असहज तो होंगे ही। अब कांग्रेस कॉम्पनसेट कर रही है इनको, ये नहीं तो बहुजन समाज पार्टी, ठीक है सुनील, सुनील यादव का जवाब, गिरते पड़ते भी बहन जी का वोट 13.5% था। सुनील यादव, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत तो 2 बिस्किट खाने की है, लेकिन मांग रही है 18 बिस्किट। कुणाल घोष उनके सांसद ने यह बात बोली। देखिए अमीश भाई, मैं ये कह सकता हूं कि जब दलों का गठबंधन हो जाता है तो किसकी क्या क्षमता, इस पर आप मत जाइए। हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहा, लड़ाई लड़ेगा, भाजपा को हराएगा। अब आप पूछेंगे कौन कहां लड़ेगा, यही बात तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लेकिन सुनील जी, दूसरी तरफ पूरी प्लानिंग हो गई है, दूसरी तरफ रणनीति बन रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी हम तय करेंगे, 4 बैठकें हो गई, 6 बैठकें हो गई, हम तय करेंगे। तय तो आप मध्य प्रदेश में भी कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हाथ लगा आप लोगों के, खुद ही सोचिए ना। अमेश जी, हमारी पूरी तैयारी है, हम बूथ पर काम कर रहे हैं, सेक्टर पे काम कर रहे हैं, ब्लॉकों पे काम कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के 80 की 80 सीटों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि गठबंधन है, गठबंधन धर्म है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन कहां लड़ेगा जब तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं हो जाएगी। आप जो हमसे कहलवाना चाहते हैं, नहीं मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहता, मैं तो आपको 2019 याद दिलाना चाहता हूं। आपने बहन जी के साथ गठबंधन करा, बहन जी की 2014 में आई थी 0 सीट, 2019 में आई 10 सीट, आपकी आई थी 2014 में 5 सीट, आपकी 2019 में भी आई 5 सीट। यानी आपका वोटर आपको पसंद करता है, लेकिन आप गठबंधन में चले जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। यह चुनावी विश्लेषण है, इसको अन्यथा ना ले।
नहीं नहीं, मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूं अमेश जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी तो देश में रुक जाएगी। ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई है और कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनके तरीके से तो और निर्धारित करनी पड़ेगी ना, सोच होगी उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या गठबंधन दलों का यह सोचना कि बीजेपी रुक जाएगी तो उससे क्या शुभराष्ट्रा बीजेपी रुक जाएगी, नरेंद्र मोदी रुक जाएंगे सोचने भर से? आमिर जी मुझे नहीं लगता कि किसी के सोचने मात्र से या ऑपोजिशन पार्टी के हिसाब से ये जो मोदी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है जो ये नया कलेवर है बीजेपी का, मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन को रिस्पॉन्ड करते हुए कोई काम कर रही है। आजकल एजेंडा सेटिंग का कार्यक्रम सरकार की तरफ से हो रहा है और ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन जो बात मैं लगातार कह रही हूं आमिश जी, और ये सुनील जी आप जैसे युवा नेता जो कि टेलीविजन पर ही अपनी आवाज मुखरता से नहीं रखते हैं, आप लोग संजीदगी से पॉलिटिक्स समझ भी रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूं एक वोटर होने के नाते कि इंडी अलायंस में तारतम्यता क्यों नहीं है। आप अगर मैं तो ये भी कंसीड करने को तैयार हूं कि अगर आप मोदी विरोध के नाम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं तो भी आपके पास कुछ तो चार पांच मूलभूत इश्यूज होंगे जिनको लेकर के आप मोदी का विरोध कर रहे होंगे, क्योंकि आप अगर मोदी का विरोध करते हैं तो आप देखिए बीआरएस के सुरताल बदल जाते हैं। आप साउथ इंडिया में जाइए तो आप देखिए कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहने को तो आपके साथ हैं लेकिन इंडिविजुअली जब आप बात करें, जब मीडिया उनसे बात करती है तो उनका कहीं ना कहीं रुझान बीजेपी की तरफ होता है। तो मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आप लोगों में तारतम्यता अभी तक क्यों नहीं हो पाई है, क्या आप लोगों ने अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं तय किया? और ये सवाल वाजिब सवाल है, ये सवाल बहुत वस्तुनिष्ठ सवाल है जो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा। दूसरी चीज आमिश जी, बार बार सीट शेयरिंग पे बात होती है, मैं एक बात से इत्तेफाक रखती हूं कि सीट शेयरिंग शायद मीडिया में डिस्कस नहीं किया जा सकता अभी, लेकिन एक वोटर होने के नाते मुझे पता तो होना चाहिए कि अगर मैं वेस्ट बंगाल में हूं, फर्ज कीजिए मैं वेस्ट बंगाल की नागरिक हूं, वेस्ट बंगाल में रहते हुए जहां पे मैं रहती हूं वहां टीएमसी से सांसद है, क्या वहां ये सांसद बदलकर क्या कल कांग्रेस का कोई व्यक्ति जवाब 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 सांसद का चुनाव लड़ेगा? ये क्लैरिटी है जो मुझे चाहिए। सुनील 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 नहीं पता जी जी सुनील सुनील देखिए जवाब राजेश गुप्ता बहुत अच्छा सवाल किया। नहीं हाँ बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मोदी जी का क्यों विरोध है। देखिए मोदी जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है लेकिन मोदी जी ने जो सपने दिखाए कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी है नहीं, देश की संसद सुरक्षित है नहीं, पिछड़े दलितों का आरक्षण सुरक्षित है नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, तो हमारा विरोध सिर्फ इस बात को लेकर के है कि आपने नए नए सपने दिखाए थे। जो सपने मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे उनमें एक भी वादा और सपना आपने पूरा नहीं किया। हम महंगाई के खिलाफ हैं, सरकारी संस्थानों और संवैधानिक संस्थानों पर जो आपका कब्जा है उसके खिलाफ हैं। और अमित जी मैं इस बात को आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस देश में जिसको भी लोकतंत्र बचाना है उसको देर सवेर देश की मीडिया के खिलाफ भी हल्ला बोल बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश के असल मुद्दों पर मीडिया बात नहीं कर रही है, देश के संवैधानिक चीजों पर मीडिया बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, रोजगार पे बात नहीं कर रही है,